गुड मॉर्निंग सिक्स स्टैंडर्ड माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास आई हैव डिस्कस्ड विद यू ऑटो फिल इन विच वी हैव डन। इसके अंदर हमने किया था 1 to 10 डिस्प्ले नंबर्स एंड जनवरी टू दिसंबर की लिस्ट। एंड उससे पहले हमने किया था एडजस्टिंग हाइट एंड रो विथ कॉलम। इसके अंदर हमने क्या किया था, रो एंड कॉलम की हाइट को और विथ को हमने इंक्रीज किया था। यहाँ पे देखिए आपको याद आ जाएगा, ये स्मॉल सा आइकन आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पे आपको इसकी हाइट दिखाई दे रही है। इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, विथ में चेंजेस कर सकते हैं, इसकी ऊँचाई और इसकी चौड़ाई दोनों में ही हम अंतर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडजस्टिंग हाइट ऑफ रो एंड विड्थ ऑफ कॉलम। ऑटोफिल के अंदर हम क्या करेंगे, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको क्रिएट करना है न्यूमेरिक डाटा लाइक दैट, फॉर एग्जांपल, और इन दिस एग्जांपल यू कैन सी, आप देख सकते हैं इस एग्जांपल के अंदर यहाँ पे हमें एक सीरीज दी गई है जिसमें डाटा सीरीज में है। हम इसको किस तरह से एडजस्टमेंट कर सकते हैं ये मैंने आपको दिखाया था इन लास्ट क्लास। एंड ऑल्सो आई हैव डन हियर सीरीज, फर्स्ट वैल्यू ऑफ सीरीज, फिल हैंडल। यहाँ पे फिल हैंडल का ये है जो आप ऑप्शन, इसको ड्रैग करके यानी इसको खींच के हमने पूरे डाटा को डिस्प्ले करा सकते हैं। एंड क्लोज द रिक्वायर्ड एरिया, जिस जिस एरिया में आपको जरूरत है इसकी फिल कर सकते हैं उसे। इसके बाद है आपका कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट में हम क्या कर सकते हैं, कस्टम लिस्ट के अंदर हम जैसे हम कस्टम लिस्ट में जाएंगे तो ये हमें इस तरह से लिस्ट के अंदर एंट्रीज दिखाएगा। हियर यू कैन सी जनवरी टू दिसंबर, या फिर आपको किस फॉर्म में दिखाना है, वो जनवरी क्या है पूरा लिखा है, आप चाहो तो जैन फैब मार्च पूरा ना लिख के हाफ पे भी लिख सकते हो। इसे कस्टम लिस्ट, दिस इज योर कस्टम लिस्ट, या कि कस्टम लिस्ट है जिसमें से आप अपने फॉर्मेट को चेंज कर सकते हो। अगर हमें डेट, जैसे हमारी डेट होती है वो 01 और हाइपन प्लस 7 month प्लस 2018 20 जो भी आप लिखना चाहते हैं, जो चल रहा है 21, आज डेट है 17 July 2001, तो यहाँ पे आप इस तरह से भी अपने डेट को चेंज कर सकते हैं। हियर यू कैन लिख, क्लिक ऑन द ऐड बटन टू चेक द लिस्ट ऑन द कस्टम्स लिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, यू कैन हियर इन द सिस्टम, द सिस्टम में देखेंगे कि यहाँ हमें कस्टम दिखाई दे रहा है। 2007 में अगर हम वर्क करते हैं तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा यहाँ जाके, ये देखो ये नीचे पॉइंट दिखाई दे रहा है, क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा ये ओपन हो जाएगा आइकन फॉर्मेट। और यहाँ कस्टम में हम गए, कस्टम पर क्लिक किया, उसके बाद यहाँ से कोई भी चूज़ कर लिया, आपने फॉर्मेट कोई सा भी ले लिया, जो भी आपको टाइप चाहिए यहाँ जाएंगे, जो भी आपको टाइप पसंद है वहाँ पर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमने ले लिया ये ले लिया, इसके बाद हमने ओके किया। ओके करने के बाद जैसे ही हम ओके करेंगे तो ये हमें, या फिर हम यहाँ से ले सकते हैं स्पेशल टेक्स्ट, चलो कस्टम पे ही जाएंगे। आज हमने लिखा ले लिया जी, देन क्लिक ओके, हमने यहाँ राइट किया। आफ्टर दैट ड्रैग दिस वन
आपका सेलेक्ट, आपका सबसे पहले इसे सेलेक्ट करेंगे, उस तरह से फिर इसे ड्रैगिंग करेंगे आपको हैंड हैंडल, जितना आप ड्रैग करोगे उतना ही आपको दिस आर सेम। अभी क्या है, ये सारी की सारी सेम। अगर हम कंट्रोल प्रेस करें, जैसे मैंने आपको कल बताया था, अगर हम कंट्रोल प्रेस करते हैं, देखेंगे बेटा, अब जब अगर मैंने इसे ड्राई किया, सिंपली ड्राई किया, तो ये सिमिलर फॉर्मेट में अपन आ जाएंगे। अगर हमने इसे कंट्रोल के साथ ड्राई किया तब तो सेम देगा, अगर हमने कंट्रोल प्रेस नहीं किया तो ये आपको डिफरेंट 16 टू अबव आपको डेट डिस्प्ले करेगा। ये देखो, मैंने इसमें कंट्रोल प्रेस नहीं किया कि बोलते हमने सीधा ट्राई किया तो इसने आगे की डेट्स दे दी हैं। अगर मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्रेस किया, मान लीजिए मैंने यहाँ कंट्रोल प्रेस कर दिया, कीबोर्ड से पहले सेलेक्ट करो इसे अपने सिस्टम पे काम करते हो, फिर कंट्रोल प्रेस करो। जैसे आप कंट्रोल के साथ ड्रैगिंग करते हो तो ये सेम डेट देगा, लेकिन अगर आपने कंट्रोल यहाँ यूज़ नहीं किया तो ये 6 ऑनवर्ड आपको डेट डिस्प्ले कर देगा। तो दिस इज़ द ऑप्शन ऑफ कस्टम, इट्स शोइंग हेयर इन 2007, इट हेयर हेयर यू कैन क्लिक अपॉन इट, देन इट विल शो इन द कस्टम। अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो ये कस्टम भी आपको शो करेगा। शो करने के बाद जो भी आपको डेट का फॉर्मेट या फिर टेक्स्ट का फॉर्मेट में, जैसे आपको अगर जनवरी फॉर्म के फॉर्म में दिखाना है या फिर डेट दिखाना है, तो कस्टम में जाकर आप इजीली इस काम को कर सकते हो। और आगे है आपका टॉपिक फॉर्मेटिंग टेक्स्ट एंड फॉर्मेटिंग डाटा, में हमारे पास फॉर्मेटिंग टेक्स्ट एंड फॉर्मेटिंग नंबर्स आते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट, टेक्स्ट क्या है, द फॉर्मेटिंग ऑफ डाटा इज डन टू मेक इट स्प्रेडशीट लाइक अट्रैक्टिव। जब आपको अपनी स्प्रेडशीट को अट्रैक्टिव बनाना है तो हम फॉर्मेटिंग डाटा लेते हैं, और वी कैन यूज़ कमांड्स इंक्लूडिंग फॉन्ट, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एंड कलर, फॉन्ट स्टाइल टू फॉर्मेट। तो है हमने इसे क्या किया, फॉन्ट बढ़ा दिया, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सब करके कलरिंग भी कर दी, तो इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। दैट मेक्स योर स्प्रेडशीट मोर अट्रैक्टिव, इसका मतलब ये है कि आपके शीट को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं। फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे आफ्टर रेड बोल्ड हेयर, अगर हम बोल्ड करते हैं देखो क्या होगा, डार्क बाउंड्री हो जाएगी ब्लैक कलर की, बोल्ड, इटैलिक किया क्या हुआ, थोड़ा सा तिरछा हो गया, इटैलिक के अंदर थोड़ा तिरछा हो गया, अंडरलाइन क्लिक किया, गिव्स अंडरलाइन ऑल द डेट्स, सभी डेट्स के नीचे अंडरलाइन आ गई, यहाँ से हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद है आपका फॉन्ट कलर एंड फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर हम करेंगे, फॉन्ट कलर के लिए हम जाएंगे यहाँ पे जहाँ ये लिखा हुआ है फॉन्ट कलर बोलते हैं, जो क्लिक किया कोई भी कलर उठा लिया, जैसे रेड कर दिया, ग्रीन कर दिया, जो भी आपको कलर पसंद है वो अप्लाई करो, हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका फॉर्मेट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल हमारा यहाँ है, यहाँ से कोई भी जो आप स्टाइल अप्लाई कर सकते हो, टेक्स्ट इसे फिल कलर भी अप्लाई कर सकते हो, फिल कलर यानी बैकग्राउंड में जो भी आपने लिखा उसके पीछे का जो एरिया है जिसके पीछे का है उसमें कलर हो जाए, इसको हम फिल कलर करते हैं। तो ये तो था आपका, फर्स्ट हमें सेलेक्ट करना है सेल को, सबसे पहले हमने सेल को सेलेक्ट किया, देन क्लिक ऑन द होम रिबन, तब हम यहाँ से गए होम रिबन पे जहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन हमारे रिबन में दिखाई दे रहा है। यूज़ कमांड्स इन फॉन्ट ग्रुप टू मेक द डिजायर चेंज, फॉन्ट ग्रुप के अंदर हमने इसका टेक्स्ट कलर चेंज किया, फिल कलर किया, प्लस हमने यहाँ पे जाके
फॉर्मेटिंग स्टाइल भी अप्लाई किया, फॉन्ट स्टाइल अप्लाई किया। अब नेक्स्ट है आपका फॉर्मेटिंग नंबर्स। अगर आपको नंबर्स को फॉर्मेट करना है, नंबर ग्रुप इन द होम तो ऐप हम नंबर्स को भी कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं दिया हुआ आपको एग्जाम्पल, मेमरीज पढ़ लेते हैं। MS Excel is a software used for creating electronic spreadsheets on the computer. Formula bar consists of two parts, main box, formula indication of the row and column, creates a cell, and you can insert row and column in worksheet, you can adjust height and width, ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हो। और अगर हम फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं अपने टेस्ट पे तो वो स्प्रेडशीट को मोड करके बना देते हैं। लास्ट वन आपका जो है वो है फॉर्मेट टेक्स्ट। टेक्स्ट को कैसे करेगा, लिखा हमने यहाँ पे ही इज स्मार्ट, इज स्मार्ट टेक्स्ट हो गया। अब हमें ये करना है फॉर्मेट में, हमें जरूरी वहाँ जाना है टेक्स्ट में, कोई भी टेक्स्ट ले लो ऐसे ले लिया ये आपका टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट के ऊपर कर लेंगे हो जाना यहाँ से डिक्रीज, इसी के साथ वाले से डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो इन दिस क्लास वी हैव डिस्कस, हमने डिस्कस किया कि किस तरह से कस्टम में जाके हम डेट और टाइम प्लस ईयर शो कर सकते हैं, एंड साथ साथ जनवरी फॉर्म के लेकर दिसंबर तक फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। एंड दिस आल्सो आई हैव डिस्कस विद यू विदाउट कंट्रोल इट विल गिव यू इंक्रीजिंग डेट्स, आपको आगे बढ़ती हुई डेट्स को दिखाएगा। एंड अगर हम कंट्रोल का यूज़ करते हैं तो ये सिमिलर फॉर्मेट दिखाएगा इस तरह से, यहाँ पर आपको जैसे आपको यहाँ देख रहे हो तो सिमिलर दिखाएगा। अगर हम कंट्रोल प्रेस करते हैं तो सेम डेट्स दिखाएगा, अगर कंट्रोल प्रेस नहीं करते तो आगे की डेट्स हमें शो करेगा। इसी तरह से जनवरी और जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपको शो करना है तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। ये आपका कस्टम का था। दूसरा है आपको मैंने सिखाया आज कि किस तरह से हमें फॉर्मेटिंग करनी है, इसमें बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन वगैरह सब चीज़ें हमने यहाँ से टेक्स्ट कर सकते। तो बेटा हमने आज जो डिस्कस किया है आपको वो बहुत अच्छे से करके देखना है, कुछ भी स्किप नहीं करना क्योंकि एक्सेल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्टडी डूइंग योर सिस्टम एंड ऑल्सो लर्न, आपको लर्न करनी है एक्सरसाइज चैप्टर नंबर, जो हम चैप्टर कर रहे हैं उसी की एक्सरसाइज आपको करनी है। इस चैप्टर इज चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू MS Excel 2013, आपको एक्सरसाइज करनी है।